अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है, वी आर डिस्कसिंग थीम 5 जो हम नोमैडिक एम्पायर डिस्कस कर रहे थे। इस पर हमने जो अभी लेक्चर्स दिए हैं, वो हमने, अगर आप रिकॉल करो, हमने इनका सोर्सेज देखे थे। उनके बाद वी डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन, सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ मंगोल्स। देन वी डिस्कस सब्सिक्वेंटली 3 लेक्चर्स वी वर डिस्कसिंग द करियर ऑफ चंगेज़ खान। तो इनमें हमने चंगेज़ खान तक के रीन को देखा है। अब एक चीज़ जो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि पहले 2-3 लेक्चर्स में मैंने आपका देखा था कि आप क्वेश्चंस वगैरह कर रहे थे, लेकिन इन 3 लेक्चर्स में मैंने नहीं देखा, आप ज़्यादा नहीं लिख रहे हो। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हम इस क्लास को इंटरेक्टिव तब बना सकते हैं, थोड़ा और फ्रूटफुल तब बना सकते हैं, जब आपकी पार्टिसिपेशन भी इसमें हो। आई आस्क यू ऑल स्टूडेंट्स जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, कि आप जहाँ फर्दर कुछ ऐड करना चाहो अपनी तरफ से, वो भी हमेशा वेलकम है आपका। तो मैं यही चाहूँगा कि जो भी लेक्चर देख रहे हैं, फाइनल आप कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें, ताकि मुझे भी लगे कि आप लेक्चर्स देख कर उसको अपने हिसाब से फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर ज़ाहिर कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो आपको पता है कि वी आर डिस्कसिंग इन लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट चंगेज़ खान, वी डिस्कस्ड हिज डेथ, और उसके बाद उसका रीन जो है ख़त्म हो जाता है। अब चंगेज़ खान की डेथ के बाद हम देखते हैं, उनके बाद जो है द मंगोल्स आफ्टर चंगेज़ खान को हमने देखना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो ओगदाई खान है, वो उसके बाद सक्सीड करते हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं कि ये जो है टाइम पीरियड है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड मंगोल एक्सपेंशन आफ्टर द डेथ ऑफ चंगेज़ खान इनटू 2 फेजेस। उनकी डेथ के बाद, जो चंगेज़ खान की डेथ है, उसकी डेथ के बाद हम देखते हैं ये जो एक्सपेंशन था एम्पायर का, मंगोलिया या मंगोल एम्पायर जो था, उसका एक्सपेंशन जो था 2 फेजेस में हुआ। एक फेज जो था वो यूरोप के साइड से वो एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर कर रहे थे, दूसरा साइड जो था वो यहाँ जो हम देख रहे हैं सेंट्रल एशिया में, वहाँ से इराक, मिडल ईस्ट जो है वहाँ पर वो एक्सपेंड कर रहे थे। तो पहला जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट फेज जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें हम देखते हैं ये जो टाइम पीरियड है 1236 से 1242, चंगेज़ खान के जाने के बाद 1236 से 1242, तो कौन रूल कर रहे थे, क्या मैंने जो आपको लिखा है थे वो एक्सपेंशन रहा 5, हम जो ग्रेट खान के पहले आए हैं उनमें से सेकंड कौन है, फिर चंगेज़ खान के बाद कौन आते, उनके बेटे आते, उनका नाम है ओगदाई खान। तो यहाँ ओगदाई खान का रीन होता है, तो ये जो है ओगदाई रूल कर रहे थे। इनके रीन में हम देखते हैं इन्होंने एक्सपेडिशन स्टार्ट किए, और जो एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर है वो वेस्टर्न साइड से, जो वेस्ट था वहां से अब एक्सटेंशन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या गेम्स मिले, किन किन कंट्रीज को वहां पर हराया, वो हम देखते हैं। आपको पता ही है, यहां पर डिस्कसिंग जो थे ना, सबसे पहले हम देखते हैं हमने ये रशियन स्टैपीज थे जो हमने मंगोलिया के साथ में किए, उसका कैरियर देखा है, उन पर कब्जा जमाया सबसे पहले किस तरह से, उसने चंगेज़ खान के बाद देखते हैं जो कि चंगेज़ खान का जो रीन देखा है। अब हम जो इस टॉपिक में जो चंगेज़ खान के उन्होंने एक्सपेंड की है कैस्पियन सी तक, कल हमने देखा था। अब कैस्पियन सी से आगे जा रहे हैं, जो उसके लेटर खान्स आते हैं, लेटर रूलर्स आते हैं, वो उससे भी आगे उसको शिफ्ट कर देते हैं। अब रशियन स्टेपी है, उसके बाद हम देखते हैं बुल्गार, ये बुल्गारिया करंट जो सिटी है ना, कंट्री है यूरोप में, तो ये वो है बुल्गारिया। इसी तरह से क्यू है, क्यू इज़ बेसिकली इट्स अ सिटी इन ऑस्ट्रिया करंटली, तो ये ऑस्ट्रिया तक पहुँच सकता। आप ये दिमाग में ला सकते हो कि ये कहाँ तक पहुँच रहे हैं, अब ये अब यूरोप में जा रहे हैं, अब ऑस्ट्रिया के साथ में आप देखोगे फ्रांस भी वहीं पर है, और पोलैंड, हंगरी, ये सब कंट्रीज जो है वहीं पर हैं, तो ये धीरे धीरे उनको एनेक्स कर रहे हैं। अब यहाँ हमने देखा क्यों है, पोलैंड है एंड हंगरी है, तो ये सब जो कंट्रीज हैं यूरोप के हार्ट में हैं, अब ये यहाँ पर अपना जो है एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर कर रहे हैं। और ये जो है, ये सारा जो एक्सपेंशन हो रहा है, इट्स हैपनिंग अंडर द रीन ऑफ ओगदाई खान, सेकेंड ग्रेट खान जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब ये तो एक साइड से हम देख रहे हैं, एक साइड से जो वेस्टर्न साइड है वहां पर क्या एक्सपेंशन हो रहा है और ओगदाई के पीरियड में हो रहा है। यहां हम दूसरा साइड देखते हैं, जैसे हमारे पास चाइना और दूसरा जो सेंट्रल एशिया में कुछ रीजन्स रह गए थे, जो सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स थे, वहां पर कहां वो पहुंचे। यहां हम सेकंड फेज में देखते हैं इंक्लूडिंग द ईयर्स, यहां पर 1255 से 1300, तो ये किन का रीन है, कौन दो रूलर है इसमें, क्योंकि दो रूलर्स का रीन आ रहा है एक ही में, क्योंकि ये तो ओगदाई का था,
इसमें देखते हैं हम, इसमें जो तुलई डायनेस्टी से, तुलई जो है ना, तुलई लीने से दो इंपॉर्टेंट रूलर उस वक्त थे, पहला जो था मोंगकी खान, उसके बाद दूसरा जो है कुबाली खान। ये फोर्थ एंड फिफ्थ ग्रेट खान है, फोर्थ मोंगकी है और उसके बाद कुबाली है। इनके रीन में जब ये आते हैं, इनके रीन में हम देखते हैं इन्होंने लेड कॉन्केस्ट ऑल ऑफ चाइना, ठीक है। इन्होंने अपने रीन में जो हम चाइना को देख रहे थे चंगेज खान के टाइम पर, चाइना के कुछ पार्ट को एनेक्स किया था, जिसमें हम देखते हैं देयर वर थ्री डायनेस्टीज इन चाइना, वन शीशाई डायनेस्टी, चिन डायनेस्टी एंड शुंग डायनेस्टी। अब शीशाई तो को तो पहले उन्होंने एनेक्स किया था, और चिन में भी थोड़ा हम देखते हैं पैकिंग का सैक जो हो गया था, और अब जो शुंग डायनेस्टी थी और कुछ चिन डायनेस्टी के भी कुछ रीजन्स थे, उनको फिर फर्दर हम देखते हैं इन दोनों के रीन में वो कंप्लीटली सारे चाइना को एनेक्स करते हैं। जो फुल चाइना है ना, सारा आज का मॉडर्न डे चाइना, वो सब जो है मंगोल रीन में आता है। किन के रीन में? इस टाइम पीरियड में सारा चाइना 1279 में सारा जो चाइना है उसको मंगोल्स एनेक्स करते हैं, ठीक है। अब उसके साथ हम देखते हैं, यही टाइम पीरियड है ना जब हमने जब हम सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स पढ़ रहे थे, वहां पर हमने देखा सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में कि ये जो सैक ऑफ बगदाद हुआ था, सैक ऑफ बगदाद का डेट क्या है वो हमने सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में पढ़ा है, उसका डेट था 1258, ठीक है। अब 1258 में हम देखते हैं यहां पर कौन थे 1258 में, वहां पर मोंगकी खान जो है वो उस वक्त रीन संभाल रहे थे। तो यहां पर उनके पास एनवाय भेजा जाता है, उस वक्त जो सुल्तान थे वहां बगदाद में, उनको कहा जाता है कि पर्सनली आपको मंगोल के जो मंगोलियन खान है उन्होंने आपको वहां पर तलब किया है, वहां पर आपको बुलाया है, लेकिन वो नहीं जाते हैं। फिर उसके बाद एनेक्स वहां पर वो फोर्स भेजते हैं और सैक ऑफ बगदाद होता है। तो उसका डेट 1258 में, यहां हम देखते हैं 1258 का ही डेट हम लेते हैं जिसको हम कहते हैं हॉल ऑफ अबासिड्स। अब अबासिड्स की ताकत जो है ना वो पहले ही खत्म हो गई थी, जब हमने देखा था जब छोटी छोटी डायनास्टीज इमर्ज हो रही थी सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में, हमने देखा था जैसे वो बयूद्स और जो फातिमिद्स वगैरह जो भी डिफरेंट छोटे छोटे सल्तनत्स निकले थे, उन्होंने पहले ही बयूद्स का जो है अबासिड्स का जो रीन था उसको कमजोर किया था। अब फिर भी नॉमिनल हेड थे अबासिड्स, फिर भी 1258 तक रहे, लेकिन फाइनली जब मंगोल्स थे इन्होंने फॉल ऑफ अबासिड जो है अबासिड डायनेस्टी जो है उसको खत्म कर दिया फाइनली। तो फॉल ऑफ अबासिड्स होता है, तो यही जो है यहां पर इराक हम देख रहे हैं, इराक का एनेक्स हो जाता है। इसके बाद हम इराक के साथ साथ ईरान को भी देखते हैं क्योंकि नेबरिंग कंट्री है, और सीरिया को भी देखते हैं। ये तीनों कंट्रीज जो थी ना, ये इंक्लूडिंग सम अदर कंट्रीज इन द सेंट्रल एशिया, दे वर ऑल मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज। तो ये सेंट्रल इस्लामिक लैंड में यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम हुआ था। तो एक रीजन जो है इस्लाम जो है बाहर भी बहुत ज्यादा फैला होता, या इसका जो एक्सटेंशन है इस पीरियड में बहुत ज्यादा फैला होता, कि एक रीजन ये भी रहा इस्लाम में एक रुकावट ये भी पैदा हो गई कि ये ज्यादा नहीं फैला, बिकॉज ऑफ द मंगोल्स। मंगोल्स ने एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा की, मंगोल्स ने स्कॉलर्स को मारा, मंगोल्स ने मुसलमानों की जो इकोनॉमिक हालत थी उसको बहुत ज़्यादा बिगाड़ा है। तो इस वजह से इस्लाम का जो एक्सपेंशन है इस पीरियड में हम देखते हैं उतना नहीं हो पाया। तो ये एक साइड से हम देख रहे हैं, फर्स्ट साइड स्पेंड 1236 से 1242 तक, यहाँ पर रशियन स्टेपी बुल्गार है, क्यू है, इसी तरह से पोलैंड है, हंगरी है, और तो ये रीजन्स कॉन्कर कर रहे हैं वेस्टर्न साइड से। अब यहाँ जो हम देख रहे हैं सेंट्रल एशिया में या चाइना में और यहाँ मिडल ईस्ट में, यहाँ पर ये कौन से रीजन्स हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इराक, ईरान एंड सीरिया को एनेक्स कर रहे हैं, और ये ओगदाई के रीन में होता है, और उसके बाद हम देखते हैं सब्सिक्वेंटली 1255 से 1300 तक फिर मोंगकी खान एंड दूसरे जो इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं लास्ट के कुबाली खान, जो फिफ्थ ग्रेट खान होते हैं, ठीक है। ये तो ये दो फेजेस थे। उसके बाद अब 1260 के बाद हम देखते हैं, आफ्टर 1260 मंगोल्स कुड नॉट फोकस ऑन कैंपेन्स इन वेस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। अब मंगोल जो है उसके बाद हम देखते हैं ये जो एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर कर रहे थे उसके 1260 के बाद, वो उनमें जो है एंथ्यूजियाज्म नहीं रहा, वो मोटिवेशन नहीं रही जो इससे पहले चंगेज खान या फर्स्ट जो हमारे इसके इनके रूलर्स थे उनमें था। अब इसके पीछे कुछ रीजंस हैं,
एक ऑब्वियस सा रीजन जो मैंने यहां पर लिखा है वो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन। ये यहां पर बहुत ज्यादा हम देखते हैं क्योंकि चंगेज खान जो थे उनकी एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी। चंगेज खान जो थे पहले ग्रेट खान थे, उनकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। अब वो जो थे उनका जो फैसला होता था फाइनल होता था और वो उनकी अथॉरिटी को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता था। अब उसके बाद चंगेज खान के बाद हम देखते हैं उनके बेटे आते हैं ओगदाय खान, और ओगदाय खान के बाद हम देखते हैं दूसरे रीजन दूसरे रूलर्स आते हैं। पहले जो दो जनरेशंस में या पहले दो रूलर्स जो आए हैं जिन्होंने रूल किया है वो हम देखते हैं किन, इनके पहले तो हमें याद ये भी रखना है कि चंगेज खान जो है उसके हमने चार बेटे देखे हैं, जो यहाँ पर बोटी जो उनकी वाइफ थी उनसे चार बेटे थे जिनको हम देखते हैं, जोची है, चगताय है, तुलाय है और ओगदाय है। ये चार बेटे थे उनके। अब सबसे पहले रीन कौन संभालते हैं चंगेज खान के बाद? ओगदाय संभालते हैं। अब जोची एंड ओगदाय जो थे ना ये सबसे पहले हम देखते हैं इन्होंने रीन को संभाला था। अब इस टाइम पीरियड में जो रेस्ट जो चगताई थे या तुलाई थे उनको मार्जिनलाइज किया गया था। अब जो वॉर ऑफ सक्सेशन है ना तो चंगेज खान के टाइम के बाद हम देखते हैं आपस में रिफ्ट पैदा हो गया बायू में ही, जो कौन ज्यादा एक्सरसाइज करेगा पावर्स को, जो हम आगे भी देखेंगे। हम देखेंगे फिर कि किस तरह से चंगेज खान के जाने के बाद इन्होंने डिवीजन की है अपने एम्पायर की। जोची को कुछ अलग दे दिया, ओगदाय को अलग, इसी तरह से चगताय को अलग, तुलाय को अलग, तो ये डिवाइड हुई है इसके बाद एम्पायर। तो जब अथॉरिटी एक नहीं रहती है, व्हेन देर इज नॉट ए सेंट्रलाइज काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट, सेंट्रलाइज काइंड ऑफ एन अथॉरिटी, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर फिर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है। वहां पर आप हमेशा यही चीज देखते हो कि मुझे किसमें मैं ही ज्यादा एक्सरसाइज पावर करूं, मेरा ही ज्यादा चले। तो ये चीज हम यहां पर देख रहे हैं, वन ऑफ द रीजंस है कि हम देख रहे हैं अगर इन्होंने इतना एक्सटेंशन किया तो ये वहां पर पहुंच रहे थे। इसके साथ में अब इटली है नीचे साइड से, और जब हम इराक ईरान की बात करते हैं ये इनको अच्छा मौका था इजिप्ट को भी कॉन्कर करने का। उसके बाद ये आगे जाके फ्रांस, इंग्लैंड, जो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर भी जा सकते हैं। दे वर हैविंग द एम्पल चांस टू गो। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम यह हुई कि इंटरनल सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन जिसको हम कहते हैं, आपस में ही जो भाई है लड़ पड़े हैं कि कौन ज्यादा एक्सरसाइज करेगा पावर्स को। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन हम देखते हैं कि इन्होंने क्यों गिव अप किया या इन्होंने क्यों नहीं फोकस किया कैंपेन्स इन द वेस्ट, बिकॉज यहां पर सबसे पहले है पॉलिटिक्स जो है इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ सक्सेशन। ठीक है, जोची एंड ओगदाय पहले तो इन्होंने कंट्रोल किया है ऑफिस को, लेकिन लेटर ऑन हम देखते हैं दूसरा रीजन, लेटर जोची एंड ओगदाय लीनेजेस वेर मार्जिनलाइज्ड बाय तुलिद ब्रांच। अब हम इसके बाद देख रहे हैं जब पहले ओगदाय के बाद हम देखते हैं जो हमारे गयुक है, गयुक के बाद जो दो आते हैं, ओगदाय का बेटा होता है गयुक, लेकिन उसके बाद जो ग्रेट खान का जो ऑफिस है वो किन के पास चला जाता है? वो यंगेस्ट सन जो थे चंगेज खान के, तुलाई के पास चला जाता है। तो तुलाई के दो बेटे यहां पर ग्रेट खान बन जाते हैं, और जब वो बन जाते हैं जैसे मोंगी खान और उसके बाद कुबाली खान, ये दो जब बन जाते हैं वो फिर इनको मार्जिनलाइज करते हैं। जैसे पहले ये मार्जिनलाइज हुए थे, अब वो जोची एंड ओगदाय के जो भी लीनेज में आए थे उनके जो बेटे थे उनको अब ये क्या कर रहे हैं, उनको उतना रेस्पेक्ट हम कह सकते हैं, उनको उतना जो है मुकाम नहीं दे रहे अपनी इस अपने एम्पायर में, उनको ऐसे ऑफिस नहीं दे रहे। तो यहां पर फिर से वॉर ऑफ सक्सेशन हो जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि इन्होंने फिर क्यों गिव अप किया है कैंपेन्स इन द वेस्ट। ठीक है, अब एक और रीजन जो हम देख रहे हैं कि ये जो यहां पर हम इन्होंने तुलेज़ ने क्यों वेस्टर्न साइड से जो इनका एक्सटेंशन चल रहा था इसको कंटिन्यू क्यों नहीं किया, एक रीजन है कि तुलेज़ जो थे दे वर मोर इंटरेस्टेड इन कॉन्करिंग चाइना rather than conquering the states, rather than conquering the lands in the west। तो ये एक और रीजन यहां पर बन जाता है। रीजन ये है कि ये यहाँ पर इंटरेस्टेड थे तुलाइत ब्रांच में जो मोंगकी खान है या कुबाली है वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे चाइना को कॉन्कर करने में। तो यहाँ पर हमने देखा है ना 1279 में इस वक्त तो यही दो रूलर थे, तो ये जो थे इन्होंने चिन डायनास्टी है या जो भी वहां पर रिबिलियन हो रहा था शीशाई में या शुंग डायनास्टी में, इन्होंने ज्यादा बेहतर यही समझा कि हमारी जो नेबरिंग कंट्री है, हमारा जो नेबरिंग एरिया है वो चाइना है, वी शुड रादर फोकस ऑन चाइना इंस्टेड ऑफ वेस्टर्न साइड। तो
ये भी एक रीज़न रह जाता है, या इजिप्ट के साइड से वहाँ पर फिर एक्सटेंशन ऑफ मंगोल एम्पायर नहीं होता है, उसका एक और रीज़न जो है दैट इज दे वर मोर इंटरेस्टेड इन कॉन्करिंग चाइना फ्रॉम 1260s which marked the end of western expansion of the Mongols. तो इस वजह से हम देखते हैं मंगोल्स का जो है एक्सपेंशन रुक जाता है। तो यहाँ तक हमने मंगोल्स आफ्टर गेंगिस खान जो है इस रीजन तक देखा, जैसे तुलाई ब्रांच है वहाँ तक हमने देखा इसको। अब ये जो था टॉपिक उतना डीप नहीं था, इसको हमने सिर्फ कैंपेन्स को देखना था कि किस तरह से गेंगिस खान के बाद उसके जो आने वाले सक्सेसर्स होते हैं उनने कहाँ तक अपना रीन एक्सटेंड किया। अब जो हमारे आने वाले लेक्चर्स हैं वो हम सोशल पोलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंगोल्स देखेंगे, वो हमारे आने वाले लेक्चर हैं। अब यहाँ मोस्ट प्रोबेबली अब ईद तक कोई लेक्चर नहीं होगा, अब ईद के बाद ही शायद हम मिलेंगे। अब आज शब कद्र का भी दिन है, तो आप सबसे यही इल्तिमास है कि सब अपनी दुआओं में याद रखें और अपने लिए अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए भी दुआ करें, ताकि हम जो इस पैंडेमिक में आज गिरे हुए हैं इससे अल्लाह ताला हमें नजात दे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।